दोस्तों, आजाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा, आजाद न्यूज़ टीवी से। आज यहाँ पे पेवा रोड में जो थाना गांव के पास में पड़ता है, वहाँ पे बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उनसे पूछना चाहेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि यहाँ किस तरह एक्सीडेंट हुआ है। सर, यहाँ पे किस तरह एक्सीडेंट हुआ है? ये जो हमारे भैया थे, ये गाड़ी धीरे धीरे से ला रहे थे और अचानक पीछे से गाड़ी आई, जो ये घोड़ा बोलते हैं इसको, बाईस टेरा, इसने इसको बहुत तेज़ी से टक्कर दी और जैसे ही खाई में हमारी गाड़ी गिर गई भैया की। ठीक है। और ये बंजारे वाले के रहने वाले हैं, जो बुग्गा वाला थाना पड़ता है जी, और जिला हरिद्वार पड़ता है जी। ये धनौरी से कंटम टायर भर के आ रहे थे, जो सहारनपुर पहुँचाने थे। ठीक है जी। और ये ऑन द स्पॉट हमारे भाई दीपक की डेथ हो गई। तो किस टाइम एक्सीडेंट हुआ? ये 10:30-11 बजे के लगभग का मामला है, जो रात जी मैम। तो ये मतलब किसकी गलती हो सकती है, किसकी गलती थी? ये जो पिछले जो घोड़ा वाला है, उसकी गलती थी, क्योंकि कोहरा था और उन्होंने काफ़ी तेज़ी पे घोड़ा चला रखा था और हमारे जो भाई की गाड़ी थी वो पीछे से बहुत तेज़ी से ठोकी है। तो उसका, जैसे कि जिस गाड़ी वाले ने ठोकी है, उसका पुलिस ने पकड़ा है या नहीं? नहीं, वो दोनों जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, वो दोनों फरार हो गए और कुछ भी नहीं थे यहाँ पर, वे दोनों बंदे फरार। गाड़ी का नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, तो उसको देख सकते हो दोस्तों, जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो फरार हो चुके हैं। अभी उनका उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये साथी बताना चाहेंगे कि मतलब वो आपका भाई था? जी, भाई था हमारा वो। अच्छा, कहाँ से हो वैसे आप? वैसे हम बंजारे वाले से हैं। अच्छा। जो थाना बुग्गा वाला पड़ता है, जिला हरिद्वार। ठीक है जी मैम। तो ये आपके साथ है? जी मैम। तो रात को आ गए थे। क्या कहना चाहोगे, जो जिसकी डेथ हुई है उसके परिवार वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर, उसके बच्चों के लिए मदद होनी चाहिए, उसके बच्चों के लिए मदद होनी चाहिए। 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा। अच्छा जी जी। तो दोस्तों, देख सकते हो बहुत सारे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत ही भयानक घटना घटी हुई है यहाँ पे, जो कंडक्टर और ड्राइवर भाग चुके हैं। और मरने वाले का नाम क्या था? मरने वाले का दीपक कुमार की डेथ हो चुकी है। जो कौन से गांव से था? बंजारे गांव से था, जो जिला हरिद्वार में पड़ता है। यही कहना चाहूंगी जी, उसके बच्चों को कुछ न कुछ मुआवजा। हाँ, मिलना चाहिए। ये किसकी गाड़ी चला रहा था, खुद की थी या किराए की? खुद की गाड़ी थी। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही भयानक घटना घटी हुई है यहाँ पे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।